दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। पार्टी के 9 विधायकों ने जब बजट सत्र था उस समय उन्होंने जो हमारे अध्यक्ष महोदय उसकी सीट की अवमानना की थी और पेपर फाड़े थे। ये भी हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि विधानसभा की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को ठेस पहुंचाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनको नोटिस दिया था, उसका उन्होंने जवाब दिया है। और निश्चित तौर पर जो जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं उन्हें ये बताना चाहिए कि कोर्ट के जो 6 CPS के मामले हैं उसके बारे में उनको क्या ज्ञान है, वो क्यों कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं। मैटर सब जुड्यूस है, वो कह रहे हैं कि 6 जो CPS है उनको हटा देगी कोर्ट, तो कोर्ट के फैसले को भी जयराम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयानों के द्वारा। ये गलत बात है, कोर्ट की अवमानना का मामला है और कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जयराम ठाकुर जी को कैसे पता कि CPS का जो फैसला रिजर्व है जो आने वाला है उसमें CPS जो कानून के आधार पर बने हैं हट रहे कि नहीं हट रहे, वो तो कोर्ट ने फैसला करना, वो कह रहे कि हट रहे। उसी तरह स्पीकर के जो 9 विधायकों का फैसला है वो सुरक्षित रखा। कांग्रेस पार्टी क्या उनको निष्कासित करने की मांग करती है? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने लिख के दिया ये अध्यक्ष का है। मैं उस जिस तरह मैं कोर्ट के मामले में नहीं बोल सकता उस तरह अध्यक्ष का भी एक कोर्ट होता उस मामले में भी मैं बोल नहीं सकती। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।